Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the questions asked in the board examination. All sets 2014, 15, 16, 17 and 18. In 5 वर्षों के पेपर सेट हम यहाँ पर हल कर रहे हैं. डैट से इन डैट में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से किसी एक को परिवर्तन करना है इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हमें चेंज करना है. तो आइए शुरू करते हैं. ये सिलेक्टेड सेंटेंसेस हैं जो हमने यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन के सेट से लिए हैं, और यदि हम इनको स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से हमें एग्जाम में डैट से इंडक्ट करने में बहुत ही अधिक सुविधा होगी. तो चलिए शुरू करते हैं. ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन दिस इज माई बुक. ये सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है. तो ही सैड के बाद टू नहीं है, तो ये सैड का सैड ही रहेगा. असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इनवर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है. यहाँ पर दिस सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसको हम दैट ही कर देंगे. ये भी नियम है, या फिर हम यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं दिस होता है तो हम उसको इट में चेंज कर देते हैं केवल सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स. और ये इज है, इसका हम वाज कर देंगे. क्यों कर देंगे? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में आ रही है, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदल जाता है. इज एम आर का वाज वर्क कर दिया जाता है, और यहाँ पर ये वाज हो गया है. माई फर्स्ट पर्सन का है पजेसिव, आई का पजेसिव है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार. ही का पजेसिव होता है हिज, तो ये हिज कर देंगे. बुक, जितने भी परिवर्तन होते हैं ये करने जरूरी हैं, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा. He said, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, एक्सक्लेमेटरी मार्क इनवर्टेड कॉमास क्लोज. ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है, शुरू में मे आ रहा है, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है. जब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो हम सैड सेट टू को विश्ड में चेंज करते हैं. तो हो जाएगा ही विश्ड, और इस कॉमा इनवर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं. दैट का प्रयोग करके सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते हैं. तो इसमें जो सब्जेक्ट यू है इसको हम पहले लिखेंगे, यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, नहीं है तो अपने आप को मान लेंगे. मी मानेंगे तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक. ये यू मे के स्थान पर आ गया, और मे आई के यू के स्थान पर आएगा, वो भी चेंज होकर के. मे का कर देंगे माइट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है. माइट हैव, इस हैव का हैड नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हैड तब होता है जब ये हेल्पिंग के रूप में आता है. यहां इसके साथ मॉडल आ रही है, तो मॉडल में चेंज हुआ है इस मेन वर्ब के रूप में. ये मेन वर्ब के रूप में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. I might have a happy journey. ठीक है स्टूडेंट्स. My teacher said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमास क्लोज. यहाँ पर ये इम्परेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, इसके साथ पहले से ही एंड से जुड़ा हुआ ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें हम इम्परेटिव का रूल ही अप्लाई करेंगे केवल अकेला. जब इम्परेटिव होता है तो सेंस के अनुसार हम सैड या सेट टू को बदलते हैं. टीचर मुझसे कह रहा है, मी से कह रहा है कि भाई परिश्रम करो और तुम निश्चित रूप से पास हो जाओगे, तो इसमें सलाह है. टीचर यहाँ ऑर्डर नहीं दे रहा, सलाह दे रहा है, तो हम सेट टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे. My
टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड। अब ये जो यू आ रहा है एंड के बाद में, ये यू चेंज होगा मी के अनुसार। सेकंड पर्सन है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहां पर आएगा आई। यू के साथ विल आता है, आई के साथ सेल, सेल का हो जाएगा शुड। श्योरली सक्सीड, इस प्रकार से चेंज करेंगे। नेक्स्ट है इनवर्टेड कॉमास बिगिन, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, कॉमा इनवर्टेड कॉमास क्लोज, द बेगर सेड टू द पासर बाई। बेगर ने, पासर बाई कहते हैं राहगीर, राहगीर से कहा प्लीज कृपया मुझे 5 रुपये दीजिए। तो बेगर कह रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज भी आ रहा है। प्लीज होता तो छोटा बड़े से कहे या बड़ा छोटे से कहे, रिक्वेस्टेड में ही चेंज करते हैं। ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको सीधा करके लिखेंगे। पहले रिपोर्टिंग आएगी, The beggar requested the passerby। अब इस कॉमन वर्ड कॉमाज को हटाने के लिए इस ऑब्जेक्ट के बाद में हम टू लिखते हैं। ये प्लीज तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, यानी कि हमने सेड या सेड टू को प्लीज के होने पर रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। अब इस रिपोर्टिंग से रिपोर्टेड को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर टू लगाएंगे और इस टू के बाद रखेंगे फर्स्ट फॉर्म, तो ये बन जाएगा हमारा इन्फिनेटिव। मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा बैगर के अनुसार, यहाँ पर आ जाएगा हिम। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, 5 रुपीज। He said, common word commas begin, God rules and governs all things। ये रिपोर्टिंग स्पीच में आया हुआ सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का है, ईश्वर सभी चीजों को अनुशासित करता है और उन पर राज करता है, नियंत्रित करता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे सेंटेंस में हमारी रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होगी। ही सेड दैट, असर्टिव है, कंजक्शन दैट आएगा और प्रोनाउन इसके अंदर है नहीं। गॉड का जी कैपिटल बना हुआ है, कैपिटल ही बनेगा। गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। जो बालक इसमें रूल्स का रूल्ड कर देगा, गवर्न्स का गवर्न कर देगा, वो मिस्टेक कर देगा। हम बता रहे हैं कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो केवल दैट का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड से। बाकी न तो इसमें प्रोनाउन है और न ही इसका वर्ब का टेंस चेंज होगा। ही सेड टू मी, कॉमन वर्ड कॉमा बिगिन, वाई डिड यू स्ट्राइक मी। ये सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे। ही आस्क्ड मी, अभी जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होता है यही कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ स्मॉल से हेड, सॉरी ये कैपिटल से है, यहाँ पर स्मॉल से बनाएंगे और क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में रख करके सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। ये रिपोर्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। यू यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, चेंज होगा मी के अनुसार, मी का सब्जेक्ट होता है आई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड स्ट्राइकन। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस प्रकार से
नेक्स्ट है द लीडर सेड कॉमा बेटा कॉमा इज बिगिन लेडीज एंड जेंटलमैन कॉमा आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। तो फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमाज क्यों हो? तो देखिए स्टूडेंट्स, इनवर्टेड कॉमाज के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन रखा हुआ है, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमन नाउन है और शेष स्पीच से कॉमा के द्वारा इसको अलग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आए नाउन को वोकेटिव केस कहते हैं, संबोधन कारक। इस संबोधन कारक के नाउन को चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल जब इंडेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो बिना टू के ही ये सेड टोल्ड में बदल जाता है। तो देखिए दी लीडर टोल्ड, ठीक, बिना टू के ही टोल्ड में बदल दिया, क्योंकि टेल वर्ब की फॉर्म को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और ऑब्जेक्ट हम यहां लिख रहे हैं, ये कॉमन नाउन है, प्लुरल है, सिंगुलर होता तो भी इससे पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। दी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कॉमन वर्टे कॉमाज को हटा देंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा रिपोर्ट स्पीच असर्टिव है। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, स्पीकर लीडर है और सिंगुलर नंबर है ही। देखिए लीडर कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर में आता है, ठीक है, लेडी भी हो सकती है, ठीक है, महिला भी और पुरुष भी। जब कॉमन जेंडर होता है तो और उससे जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम उसे मैस्कुलिन में ही मानते हैं, पुल्लिंग में ही मानते हैं। तो आई को चेंज किया लीडर के अनुसार, ही आया, ठीक है, एम का कर देंगे वाच क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रही है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नियमानुसार बदल जाता है, इज एम आर का वाज वर्ब, तो यहाँ ही के अनुसार वाज हुआ। थैंकफुल टू, अब देखिए यू आर आई, यू सेकेंड पर्सन का है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ यदि आप ढूंढेंगे तो है नहीं, लेकिन जो ये वोकेटिव केस रखा हुआ यही इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर हमने रखा है। इस यू को चेंज करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन के अनुसार, ये प्लुरल में है तो प्लुरल का ऑब्जेक्ट होता है देम, ही सी इट, ये सिंगुलर होते हैं, जब इनका प्लुरल बनेगा तो देम आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, देम ऑल, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे और मैं हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, जो लेडीज एंड जेंटलमैन है ये वोकेटिव केस में है, संबोधन कारक में है, तो हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एड्रेसिंग या कॉलिंग, जैसे हमने यहां दी लिखा ऐसे यहां पर प्रयोग करेंगे, एड्रेसिंग और कॉलिंग दी लेडीज एंड जेंटलमैन। अब यहां पर हम कॉमा लगा देंगे, ये फ्रेज बना दिया हमने, ठीक है, इसके बाद आएगा ये द लीडर, यहां तो दी टी कैपिटल, यहां स्मॉल बनेगा क्योंकि यहां कॉमा के बाद आ रहा है, सेंटेंस की स्टार्टिंग यहां से हो रही है। द लीडर सेड दैट, अभी जो वोकेटिव केस था ये शुरू में आ गया, संबोधन कारक में आ गया है, संबोध कर रहा है, ठीक है। द लीडर सेड दैट, अब यहां से यहां तक ठीक वैसे ही आना है, आई चेंज होगा लीडर के अनुसार, ही वॉज थैंकफुल टू, अब देखिए यदि हम इस यू को बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन बदल जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन के अनुसार, तो यहां
ये यहां रखा हुआ है, इसको मान लेंगे तो क्या आएगा देम। ठीक, इस प्रकार से ही बना सकते हैं, इस प्रकार से ही बना सकते हैं, दोनों ही प्रकार सही है, कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, सुधा सेड टू मी, कॉमन वर्ड को हम आज बिगिन, डू आई नॉट लव यू। ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एंड में क्वेश्चन मार्क है। जब फर्स्ट या सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होता है तो हमारा सेड हो या सेड टू हो, इसे हम आस्क्ड में बदलते हैं। सुधा आस्क्ड मी, अब इस कॉमन वर्ड कॉमाज को हटाने के लिए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में हम प्रयोग करते हैं इफ या वेदर। ठीक, इफ या वेदर का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो अभी इसे कैसे समझेंगे, आई डू नॉट, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा स्पीकर सुधा के अनुसार, सुधा के अनुसार यहां पर सी आएगा। ठीक है, ये डू नॉट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसे हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट होता है, तो हो जाएगा सी डिड नॉट लव। अब यू सेकेंड पर्सन का यहाँ ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा टू के बाद रखे हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेड के बाद टू आता है तो ऑब्जेक्ट होता है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यू के स्थान पर जो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको हम रख देंगे, क्या है मी, तो यहाँ पर मी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द टीचर सेड कॉमन वर्ड कॉमाज बिगिन, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के शुरू में व्हाट आ रहा है, ठीक है, और एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसके बाद में तुरंत कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो इंटरोगेटिव समझोगे। ठीक है, तो जब हमारा सेंटेंस रिपोर्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी होता है तो सेड या सेड टू को और इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके, दी टीचर सेड को चेंज करते हैं हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर में भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, सरप्राइज या वंडर, इसमें यह डी नहीं लगाना है। अब इस कॉमन वर्ड कॉमाज को हटाने के लिए कंजक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दैट का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है यू। ठीक है, यू सब्जेक्ट है और आर वर्ब है, तो यू सेकेंड पर्सन का है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, नहीं है तो अपने आप को मान सकते हैं, टीचर ने आपसे कहा होगा, इस प्रकार से हम इसको मान करके यहां लिख देंगे, यहां ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। ठीक, आई, आई के साथ तो एम आता है लेकिन पास्ट में वाज हो जाएगा, क्यों हो गया ये वाज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इज एमर का वाज वर्क कर देते हैं, आई वाज। अब ये व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय है तो क्या है, ये एडजेक्टिव है तो हम इसे वेरी में चेंज करेंगे, आई वाज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, और यहां लगाएंगे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा देंगे। तो देखिए कितना आसान है, यदि आप इन पेपर सेट को स्टडी करोगे बोर्ड के, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने ही वाली है। माई फादर सेड टू मी, कॉमा वर्ड कॉमाज बिगिन,
डोंट वरी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आया सेंटेंस इम्पेरेटिव है और निगेटिव है। इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। फादर ने मुझसे कहा है तो इसमें एडवाइज है, तो सबसे पहले तो हम इस सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। तो जगह माई फादर एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाएंगे और डोंट को भी हटाएंगे। ठीक है, हम प्रयोग करेंगे यहां पर टू, लेकिन निगेटिव है तो इसलिए आएगा नॉट टू, इसमें से डू हट जाएगा और डोंट वरी को हम लिखेंगे नॉट टू वरी। इसका हमने इन्फिनिटिव बना दिया, ये बना निगेटिव इन्फिनिटिव बना। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। इसमें कंजक्शन दैट या कोई कंजक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसका इन्फिनिटिव बना देंगे। ये निगेटिव में है तो ये निगेटिव इन्फिनिटिव बना नॉट टू वरी, या माई फादर इसमें डोंट आ रहा है तो डोंट होने पर सेड या सेड टू को हम फोर बेड में भी चेंज कर देंगे। ठीक, मी फोर बेड निगेटिव सेंस रखता है इसलिए यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा, केवल इन्फिनिटिव आएगा, अफर्मेटिव इन्फिनिटिव प्रयोग किया जाएगा। माई फादर फोर बेड मी टू वरी, फोर बेड का मैंने यहां पर मना करना है, मेरे पिता ने चिंता करने के लिए मना किया। तो इस प्रकार से ये हमारी जो पेपर सेट है ये पूरे होते हैं। इसके बाद हम दो वीडियो और तैयार किए हैं इन्हीं बोर्ड के पेपर सेट पर, आप उन्हें भी स्टडी करें। और यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी इसमें अच्छा लगा तो अच्छा, और यदि कोई कमी है तो उसके लिए कमेंट भी करें। धन्यवाद।